ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी रे प्रथम तर पई आगमन होइतिबा गुजरात रो युवा एमएलए तथा प्रवीण वक्ता आज आमर अतिथि श्री जिग्नेश मेवानी को मु अनुरोध करूची से तांकर वक्तव्य रखिबे। आइए हमारा एमएलए साहेब नरेंद्र मोदी का नहीं आपका एमएलए छत्तीसगढ़ के हमारे आक्रामक बल्लेबाज भक्त चरण दास साहब जी साथी कन्हैया और नाम न ले पाऊं तो थोड़ा माफ करिएगा लेकिन मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी युवा और वरिष्ठ साथी एनएसयूआई यूथ कांग्रेस इंटक सेवादल महिला कांग्रेस के तमाम साथी और आज जो बीजेडी बीजेपी और दूसरी पार्टियां छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं वो तमाम साथी आप नवरंगपुर वासी ओडिशा वासी आप तमाम साथियों को मैं एक क्रांतिकारी जय भीम और जय भारत करता हूं इंकलाब जिंदाबाद पेश करता हूं। साथियों कल कांग्रेस की स्थापना का दिवस है और स्वाभाविक रूप से मीडिया से लेके भाजपा के लोग सवाल पूछेंगे और पूछ भी रहे हैं कि इतने सालों के दौरान कांग्रेस ने क्या किया। आपको सबसे पहले ये बताना है लखन नायिका की इस क्रांतिकारी धरती को सलाम करते हुए बताना है कि कांग्रेस ने विविधता में एकता का जो नारा था उसको साकार करने वाला एक संविधान दिया। कांग्रेस ने स्वतंत्रता के आंदोलन का नेतृत्व किया है। कांग्रेस ने इस मुल्क को संविधान दिया है। कांग्रेस ने राइट टू फूड का कानून दिया है। आदिवासी भाइयों को जंगल जमीन का कानून दिया है। सूचना का अधिकार दिया है। दलित और आदिवासी उनके ऊपर यदि उत्पीड़न हो तो लड़ पाए उसके लिए छुआछूत के खिलाफ कानून दिया है। एट्रोसिटीज एक्ट दिया है। कांग्रेस ने किसी जमाने में सामंतवाद को खत्म करने के लिए दलित आदिवासी ओबीसी दूसरे गरीब तबकों के बीच में हजारों एकड़ जमीनों का आवंटन किया है। IIM बनाए हैं, IITs बनाए हैं। कांग्रेस ने इस मुल्क को एक मुट्ठी की तरह बांध के रखा और आज मोदी और अमित शाह की जोड़ी आरएसएस और भाजपा के लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस मुल्क को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि आज इस मुल्क में जब मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो, दलित और आदिवासी का उत्पीड़न हो, बेरोजगारी और महंगाई उसकी चरम सीमा पर पहुंचे, इस मुल्क का ऐसा कोई भी सवाल नहीं जिसको नवीन पटनायक और बीजेडी का कोई भी नेता उठाता हो। मतलब के आज यहां की सरकार और भाजपा की सरकार दोनों मिले हुए हैं। मानो कि यहां की सरकार को पूरे देश में जो रहा है, संविधान पे खतरा हो, लोकतंत्र पे खतरा हो, मुसलमान पे अटैक किया जाए, आदिवासी के ऊपर हमला हो, दलित के ऊपर हमला हो, आदिवासियों की जमीन छीनी जाए, उसमें से किसी मुद्दे के साथ आपके मुख्यमंत्री को कोई लेना देना नहीं और इसीलिए इस मुख्यमंत्री को भगाना पड़ेगा। आज हम लोग जब दूर गुजरात से बैठकर देखते हैं कि यहां पर ओडिशा में क्या चल रहा है तो पता चलता है कि जब दलित कहता है ओडिशा का कि हमें कुछ चाहिए तो पटनायक जी कहते हैं तुमको 5 किलो चावल देंगे, लेकिन यही गुजरात का गौतम अडानी कहता है तो उसको कहते हैं तुमको कोयला देंगे। यदि आदिवासी कहता है कि हमको कुछ चाहिए तो नवीन पटनायक 5 किलो चावल देंगे, लेकिन यदि टाटा और जिंदाल कहते हैं तो उसको कहते हैं तुमको आयरन ओर देंगे, तुमको मैंगनीज देंगे, तुमको यहां की सारी खदानों का लाइसेंस देंगे।
आज साथियों उड़ीसा एक कॉरपोरेट लूट का अड्डा बन चुका है। दलितों के, किसानों के, आदिवासियों की जमीन, उनके जंगल, उनके मर्जी के खिलाफ जाकर छीन छीन कर अडानी को दो, एसआर को दो, वेदांता को दो, पोस्को को दो, टाटा को दो, जिंदाल को दो, इस कॉरपोरेट लूट के अलावा इस उड़ीसा में कुछ नहीं हो रहा। न आदिवासी का विकास हुआ, न दलित का विकास हुआ, न किसान का हुआ, न मजदूर का हुआ। महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में उड़ीसा सबसे आगे, आदिवासियों के उत्पीड़न के मामले में उड़ीसा सबसे आगे, दलितों के उत्पीड़न के मामले में उड़ीसा सबसे आगे और किसानों को आय देने के मामले में उड़ीसा सबसे पीछे। न्यूनतम वेतन देने के मामले में उड़ीसा सबसे पीछे है। किसानों और मजदूरों के शोषण के मामले में उड़ीसा सबसे आगे है। लक्ष्मण नायका की इस धरती से, जहां स्वतंत्रता के संग्राम के वक्त सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिए, हे उड़ीसा वासियों, मैं गुजरात से चलकर आया और आपको केवल एक बात कहने के लिए आया हूं। ये मोदी और अमित शाह के साथ मिले हुए इस पटनायक को छोड़ दीजिए, ये कभी आपका भला नहीं करेंगे। आप तमाम दलित, आदिवासी, ओबीसी, किसान, मजदूर, बहने, माताएं एक होकर डिमांड करिए कि उड़ीसा के किसानों की आय सचमुच में दुगनी होनी चाहिए, उड़ीसा के मजदूरों को उसके पसीने की कीमत मिलनी चाहिए, उड़ीसा के मजदूरों को जो माइग्रेंट वर्कर के तौर पे यहां से इसकी धरती को छोड़कर पलायन कर हजारों लाखों की तादाद में जो जाना पड़ता है, उन मजदूरों को आप यहां पर काम दीजिए, उनको रोजगार दीजिए। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। नवीन पटनायक ने कहा था कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10,000 को नहीं दिया। आज जब यहां पे कानून व्यवस्था के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं, एक बहन के साथ बलात्कार हुआ, सुन रहे कि ये बलात्कार करके उसकी हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि पटनायक सरकार का एक मंत्री उसमें शामिल था और वो जानता था कि वो बहन दूसरी बहनों के साथ जो बलात्कार हुए उसके बारे में उसका काला चिट्ठा खोलने वाली थी, उसने उसकी हत्या कर दी गई। आज उड़ीसा के दलित और आदिवासियों को संकल्प करना पड़ेगा कि एक भी दलित बहनों के ऊपर अत्याचार हुआ तो पटनायक की कुर्सी खाली करवा कर रहेंगे। इस बात का संकल्प आपको करना पड़ेगा। एक बहन के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हो, मैं महिला कांग्रेस की कुछ साथियों से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि दलित और आदिवासी के ऊपर बलात्कार हो, बहनों के ऊपर बलात्कार हो और उसमें एफआईआर तक दर्ज न हो, मामले को रफा दफा कर दिया जाए, ये बात उड़ीसा में आम है। मैं मानता हूं कि गुजरात मॉडल घटिया है, लेकिन गुजरात में भी बलात्कार की शिकायत तो दर्ज होती है। उड़ीसा तो उससे भी गया गुजरा है। तो उड़ीसा के आप तमाम बहनों और माताओं को मैं गुजरात की ओर से कहता हूं, आपके ऊपर जब भी दमन होगा, अत्याचार होगा, मैं आपके बीच आपके साथ आकर खड़ा रहूंगा। कांग्रेस पार्टी की कल स्थापना का दिवस है, तो आज हमको जो संकल्प लेना है वो संकल्प यही लेना है कि उड़ीसा में से और पूरे मुल्क में से छुआछूत को खत्म किया जाए, उड़ीसा और पूरे भारत में से दलित और आदिवासी और महिलाओं को उत्पीड़न खत्म किया जाए, उड़ीसा और पूरे गुजरात और पूरे भारत के अंदर दलित, आदिवासी और ओबीसी में जमीनों का आवंटन हो, अडानी, अंबानी और एसआर को नहीं, नई जमीनों का आवंटन दलित, आदिवासी और ओबीसी को मिले, सारे सरकारी पदों में भर्ती हो, मनरेगा का जो कानून है उसको लागू किया जाए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू किया जाए, हमारे संविधान में जिन मूल्यों की बात की गई, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, समाजवाद के केंद्र में अडानी या अंबानी नहीं होता, समाजवाद के उनकावाद के केंद्र में होता है दलित और आदिवासी, समाजवाद के केंद्र में होता है उसका किसान और मजदूर, समाजवाद के केंद्र में होती है उसकी महिलाएं। तो आज हम लोग इस बात का संकल्प करें कि वो उड़ीसा का किसान और मजदूर हो या गुजरात का किसान और मजदूर हो, उनके दोनों के बीच में दोस्ती होगी। वो गुजरात का दलित और आदिवासी हो और उड़ीसा का दलित और आदिवासी हो, उनके बीच में दोस्ती होगी। और हम लोग साथ में मिलकर कांग्रेस पार्टी की तमाम शाखाएं, इंटक, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, मंच पर उपस्थित ये तमाम साथी जमकर डटकर आप तमाम लोगों के साथ खड़े रहेंगे और 23 मई यहां की विधानसभा का जब चुनाव होगा,
तब नवीन पटनायक को मजा चखाएंगे। इस बात के साथ, इस संकल्प के साथ मैं आपके बीच में, आपने मुझे दो शब्द कहने की जो अनुमति दी उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और लड़ेंगे, जीतेंगे, मैं गुजरात से चलकर बार बार आपके बीच में ओडिशा आता रहूँगा और साथ में मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।